सोच साहस सरोकार। यूक्रेन में बड़े हमले की आशंका, सायरन की आवाज से गूंजा यूक्रेन का आसमान। यूक्रेन की सेना का दावा, अब तक सेना ने $5.1 अरब के रूसी उपकरणों को नष्ट किया। ऐतिहासिक जीत के बाद आज सीएम योगी का दिल्ली दौरा, शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल पर फैसला होने की उम्मीद। आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, बैठक में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की समीक्षा। अमृतसर में आज आम आदमी पार्टी का मेगा रोड शो, केजरीवाल और मान रहेंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजों को आए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इसी बीच देश की नजरें योगी आदित्यनाथ पर टिकी है, जो आज दिल्ली आ रहे हैं। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के साथ बैठक में राज्य सरकार की रूपरेखा तय करेंगे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बावजूद अब तक यूपी में नई सरकार के गठन का ऐलान नहीं हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि योगी का शपथ ग्रहण होली के 2 दिन बाद यानी 20 मार्च को हो सकता है। साल 2017 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत के बाद योगी ने 19 मार्च के दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन इस बार क्योंकि 17 और 18 मार्च को होली है और 19 मार्च को एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख, इसलिए योगी के 20 मार्च को शपथ लेने की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच मामले में 4 धाराएं अब और बढ़ा दी गई हैं। पुलिस ने अब्बास अंसारी पर 171H और 506IPC की धारा में मुकदमा दर्ज किया था, अब 4 और धाराएं उन पर बढ़ा दी गई हैं। एटा जिला मुख्यालय पर आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीत की खुशी में तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न मनाया। ये तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर कचहरी रोड, मेहता पार्क, घंटाघर से होती हुई हाथी गेट स्थित सुभाष मूर्ति तक गई। वहां पहुंचकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। इस तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में अपार ऊर्जा और जोश देखने को मिला। पूरी तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के नारे जमकर भी लगाए गए। तिरंगा यात्रा प्रायोजित नहीं है, तिरंगा यात्रा एक देशभक्ति की यात्रा है, कहीं भी किसी भी जगह निकाली जा सकती है। रही बात एटा के परिप्रेक्ष्य में, तो इस समय आपको पता होगा कि पंजाब में हमें बम्पर जीत और एक तरफा जो जीत हासिल हुई है, कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह से जश्न मनाने के लिए आज की तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली है। सर, आम आदमी पार्टी में प्रत्याशी चयन की 5 पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर खड़े उतरने वाले प्रत्याशी होते हैं। हम धनवल, जनवल या अन्य तरह से बाहुबलियों को कोई टिकट नहीं देते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि पार्टी द्वारा पंजाब में जो जीत दर्ज की गई थी, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। इस दौरान आपके कार्यकर्ताओं ने एटा में तिरंगा यात्रा निकालकर जीत की खुशी मनाई है। तो आपको बताते चले कि बीते 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसके बाद अब एटा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी मनाते हुए, जीत का जश्न मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने
माता की जय समेत इनकलाब के नारे भी लगाए। इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं और जनता का भारी हुजूम देखने को मिला। शहर के तमाम रास्तों से होते हुए ये यात्रा शुरुआत हुई। सीएम योगी पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर वीडियो बनाने वाले आरोपी को चीला पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। चील थाने क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी चंदन कुमार शुक्ला की तहरीर पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी थी। पुलिस ने सारीपट्टी गांव से अभियुक्त सारीपट्टी गांव निवासी मौसम अली को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। तो आपको बताते चले कि मतदान और मतगणना ये सभी प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुकी है। इस दौरान भाजपा ने प्रचंड जीत के साथ 37 साल पुराना इतिहास दोहरा दिया था। वही इस दौरान सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती जनपद के 290 विधानसभा श्रावस्ती सीट से दूसरी बार भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने जीत हासिल की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक के आवास पर भारी संख्या में पहुंचकर विधायक को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि भाजपा के निवर्तमान विधायक रामफेरन पांडे ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद असलम रैनी को 1457 मतों से हरा दिया है। इस दौरान रामफेरन पांडे ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अब हम कहेंगे कि आज जनता के बीच में मैंने अपना स्थान बनाया, जनता के दिलों में जिस तरीके से मैंने विकास और ईमानदारी से निष्पक्षता पूर्वक कार्य किया था, उसका प्रतिफल जनता दे करके और हमको अपने गोदी में बैठाने का काम किया है। मैं पूरे जनता का विधायक नहीं हूँ, विधायक तो हमारी जनता, मैं जनता का एक ईमानदार और सच्चा सिपाही हूँ। मुझसे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने रिश्वत के नाम पर किसी की एक चाय भी रुपया हो या एक रुपया लिया, अपना दिया है मैंने, किसी का लिया नहीं है। जिस तरीके से हमारे योगी जी और मोदी जी का दामन पाक साफ, उसी तरीके से उस कड़ी में इस सिपाही का भी एक दामन पूरी तरीके से गंगा। ब्रज के नंद गांव में बरसाना होली के बाद अब लठमार होली का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। आपको बता दें कि ब्रज में ये कार्यक्रम पूरे 45 दिन तक चलता है, जहां ब्रज में जगह जगह होली उत्सव मनाया जाता है। इसी कड़ी में नंद गांव में लठमार होली शुरू होने से पहले नंद गांव के हुरियारे बरसाना में गोस्वामी समाज का गायन होली का कार्यक्रम होता है, जिसमें गोस्वामी समाज द्वारा और नंद गांव के हरियारों में आमने सामने से गानों के द्वारा कटाक्ष होता है। उसके बाद हरियारे सीढ़ियों के माध्यम से रंगीली चौक सुदामा चौक तक आते हैं और वहां पर लठमार होली प्रारंभ हो जाती है। इस पूरे कार्यक्रम में प्रशासन की तैयारियां भी बड़ी सख्त होती है, जिसकी निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर साधिका महाजन। कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल से आई हूँ। जी बताएं, होली में आपने क्या देखा, क्या अच्छा लगा? मुझे कि सारा कल्चर, ये सारी डाइवर्सिटी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कब से हो यहाँ पर? आज ही आई हूँ सुबह। क्या क्या देखने को मिला? अभी तो ये नंदगांव की होली देखने को मिली, बट आंखें ही नहीं खुल रही है, बहुत ही सुंदर है, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 10 मार्च को गिनती भी पूरी हो गई है, भाजपा को पूर्ण बहुमत भी मिल गया, लेकिन अभी भी ईवीएम का भूत सपा के सर से नहीं उतरा है। सोशल मीडिया में एक पीठासीन अधिकारी और एक शख्स का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस ऑडियो को लेकर एक बार फिर ईवीएम पर हमला बोला है। वायरल ऑडियो के मामले को लेकर ट्वीट किया गया है और उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई गई है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं ये वायरल ऑडियो। प्रदेश में जहाँ की ईवीएम न बदली गई है, यही हुआ था बिहार में। तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा, क्योंकि मैं न तो वोटर था, न मैं वहाँ था, न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइया नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूँगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ,
आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिया तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उस? पहले एसओ बोला। हाँ, पहले एसओ हड़ताना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, देखा भी है हम लोगों ने उस चीज को, देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर लें भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है ना, मनुष्य पास बाल बच्चा है, क्या कर लें, नौकरी बचावा बदे। नहीं लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दे हम भैया, पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दे हम उसको। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपाही आनी चाहिए, सपाही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। आएगी ही नहीं, मैं मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट वोट जब पड़ता है तो वहाँ से भी जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में हो जाता है ना पूरा? हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहाँ से कैसे बदल लेंगे सब? हमारी वो बात है, स्ट्रांग रूट में जब पहुँचेगी तब ना। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो, आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? बिजनौर के पठानपुर इलाके का रहने वाला मनचला युवक पिछले कई दिनों से बुर्का पहनकर बसों में और मुख्य चौराहों पर युवती और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। वही छेड़खानी की शिकार हुई युवती और महिलाएं नाम खराब होने के डर से शिकायत करने में भी झिझक रही थी, लेकिन आज एक महिला ने छेड़खानी का विरोध करते हुए जब मौके पर शोर मचाया तभी मौके पर मौजूद राहगीरों ने मनचले की जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद हिजाब की आड़ में छेड़खानी कर रहे सुहेल का चेहरा बेनकाब हो गया और वहां मौजूद राहगीर हक्के बक्के रह गए। वहीं राहगीरों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि पकड़े जाने के बाद सुहेल काफी देर तक बुर्का पहने पुलिस को गुमराह करता रहा कि मुझे कई दिनों से लड़के परेशान कर रहे हैं। थाना नजीबाबाद के पठानपुरा मोहल्ले का सुहेल नाम का एक लड़का, जो लड़कियों का ड्रेस पहन करके बुर्का नकाब पहन करके ज्ञात हुआ कि 2-3 दिनों से छेड़छाड़ करता है। आज बस में भी बुर्के में ही छेड़छाड़ कर रहा था, लोगों ने इतराज़ किया, फिर देखा तो ये लड़का है। बस्ती से दबंगई का एक और मामला सामने आया, जहां एक दबंग परिवार का मुखिया अपने परिवार की दबंगई से गांव में अपनी दहशत फैलाने के लिए आए दिन अपने गांव वालों से विवाद करता रहता है और पुलिस भी दबंग पर काफी मेहरबान नजर आ रही है। जहां गांव के रहने वाले ओम प्रकाश उपाध्याय को दबंग कमलेश के परिवार के खिलाफ शिकायत करना भारी पड़ गया। दबंग कमलेश और उसके परिवार के अन्य लोगों के द्वारा ओम प्रकाश के भतीजे को लाठी डंडे से जमकर पीटा गया। इस दौरान प्रवीण का हाथ भी टूट गया और पीड़ित को दबंगों द्वारा लगातार जान माल की धमकी दी जा रही है। इधर पीड़ित ओम प्रकाश अधिकारियों के दरवाजे पर भी अब न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया है। हमको जिंदा नहीं रहना देना चाहते हैं कि दरवाजे पर उनका आना जाना है, वही उनका हो लगी और गांव इलाके में किसी से भी उनकी नहीं पड़ती है। हमको मारे, इनको लड़के को मारे, भतीजे को एक को मारे हैं। इस थाने जाने पर तो कहते हैं कि जाओ थाना, हम 1,00,000 रुपया दे दिया हूँ, एसओ को मैंने खरीद लिया। हम विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, रास्ते में एक ही विद्यालय। इससे पहले भी आप लोगों में मारपीट हुई थी? हाँ, मारपीट हुई सर, उसके बाद भी थाने पर कोई हमको वो नहीं मिला, रिस्पांस नहीं मिल रहा है। थाने वाले कहते हैं 7 साल से ऊपर का उसके बाद मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, और उसका कई उससे माफिया से संबंध है, कहा था हमारा दाऊद वगैरह संबंध है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। क्या नाम है उसका? कमलेश कुमार और बिमल कुमार और एक राजन करके उसका भतीजा, उसको भी अपना निकाल रहे हैं इसी लाइन में। तो सर वो जान से मारने की धमकी कई बार दे चुके हैं सर, और उसके बाद फिर कल जा रहे थे स्कूल 10 तारीख को स्कूल सब्जी लेकर जा रहे थे, वहाँ पर रास्ते में मिलकर रॉड लेकर 5 लोग
अटैक कितना मारे सर, हाथ टूट गया सर, पेट में मारे, पीठ में मारे, मतलब कई तरह अटैक किए, किसी तरह हम जान बचा कर हेलमेट भी सर पे मारे, हेलमेट की वजह से मतलब सर बच गया सर, उसके बाद फिर गाड़ी छोड़ किसी तरह जान बचा कर घर बके। तो आपने इसका एप्लीकेशन दिया कहीं? जी सर एप्लीकेशन दिए थे थाने पर। कोई कार्रवाई हुई? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वो खुद जो मतलब मारा है वो खुद कहा कि मेरा कुछ नहीं, कोई उखाड़ पाएगा, हम सब कुछ खरीद लेंगे कि मेरा तुम भी जिंदा जोर लगाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। थाने पर भी कहें कि हम थाने को खरीद लिए हैं 1-2 लाख देकर, मेरा कुछ नहीं, कोई उखाड़ पाएगा सर। कप्तानगंज में मारपीट का एक मुकदमा दर्ज है, क्राइम नंबर 35/2022। इसमें आज पीड़ित पक्ष मेरे समझ प्रस्तुत हुआ था और उसने ये मांग की है कि उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है साक्ष्यों के आधार पर इसमें अविलंब गिरफ्तारी। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब अलीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को थाना गांधी पार्क इलाके के जीटी रोड महेंद्रनगर के पास स्थित श्री वर्षणेय कॉलेज प्रशासन ने ड्रेस कोड को लेकर एक नोटिस चस्पा किया, जिसमें निर्धारित ड्रेस कोड बताया गया है। नोटिस के आखिरी में ये भी लिखा गया है कि महाविद्यालय में किसी भी प्रकार से छात्र छात्राओं के चेहरा ढककर आना और व्यर्थ में घूमना पूरी तरह से वर्जित है। ये एक जस्ट रिमाइंडर है बच्चों के लिए कि कॉलेज का ड्रेस कोड है क्या, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में यही ड्रेस कोड सेम मेंशन है, कोई भी नया कुछ भी इंक्लूड इसमें नहीं है। बच्चे प्रॉस्पेक्टस पढ़ते नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा सा इल्यूजन रहता है कि हम कुछ भी पहन के आ सकते हैं। तो ये रिमाइंड करा के इसलिए लगाया गया है कि बच्चे इसको पढ़ें और इसी परिवेश में विद्यालय परिसर में एंटर हों। हम कॉलेज में आते हैं तो सबसे पहले हमारा एक ही दृष्टि रहनी चाहिए, वो दृष्टिकोण हमारा पढ़ाई का होना चाहिए। कॉलेज के अंदर किसी भी धर्म जाति संप्रदाय ये सब नहीं चलेंगे। कॉलेज के अंदर अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको यहाँ कॉलेज की जो गणवेश है उस गणवेश में ही आना होगा। यहाँ किसी तरह के कोई धर्म संप्रदाय आदि सब चीज़ों को दरकिनार करना होगा हम सभी विद्यार्थियों को। इसलिए हम सभी छात्र चाहते हैं जो इस कॉलेज कैंपस। खबर मिर्जापुर से है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में शिवालिका छात्रावास और विध्यांचल छात्रावास के छात्रों के बीच पिछले सप्ताह भर से स्टेडियम और व्यायामशाला की मांग को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो कि 10 मार्च को चुनावी नतीजों के आने के बाद आपस में सपा भाजपा में कौन अच्छा है उस पर विवाद इतना बढ़ा कि विध्यांचल छात्रावास के छात्रों ने शिवालिक छात्रावास पर 100 से 120 की संख्या में लाठी डंडों से हमला कर दिया। उसके बाद शिवालिक छात्रावास के छात्र रात में ही धरने पर बैठ गए और विंध्याचल छात्रावास के दोषी छात्रों को निष्कासित करने की मांग करने लगे। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।